निजी स्कूलों द्वारा लगातार फीस भरने के दबाव के बाद अभिभावक सड़कों पर उतर आए हैं। सोमवार को 50% फीस करने की मांग को लेकर अभिभावक सेंट रेफेल स्कूल के प्रबंधन से मिलने के लिए पहुंचे। अभिभावकों का कहना था कि जब क्लास ही नहीं लग रही है तो फिर फीस को 50% किया जाए। फीस नहीं भरने पर स्कूल वाले बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस से वंचित कर रहे हैं। कोरोना काल में कई अभिभावकों की नौकरियां चली गई है, काम धंधा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इस कारण अभिभावक 50% फीस माफ करने की मांग कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर अभिभावक स्कूल पहुंचे थे। प्रबंधन के बाहर आकर बात नहीं करने पर जमकर नारेबाजी की गई। मामले को बढ़ता देख पुलिस भी स्कूल पहुंची। अभिभावक प्रतीक तागड़ा का कहना था कि स्कूल मैनेजमेंट से मिलने आए थे, जहां पर फीस के मुद्दे को लेकर बात की जा रही थी कि यहां पर फीस मनमाने तरीके से ली जा रही है। पिछले वर्ष में हमने पूरी स्कूल फीस भरी थी और यदि क्लासेस नहीं लगा रहे हैं तो फिर फीस को 50% किया जाना चाहिए। इंदौर से देवेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। क्या परेशानी आपकी? सेंट रेफेल स्कूल के सभी पालकगण आज स्कूल मैनेजमेंट से मिलने आए थे। यहाँ पर फीस के मुद्दे को लेकर बात करी जा रही थी कि यहाँ पर जो फीस ली जा रही है मनमानी तरीके से, शासन के आदेश के बावजूद ट्यूशन फीस, शासन ने कहा था कि ट्यूशन फीस ली जाए, लेकिन लास्ट ईयर मेरी बच्ची ने 50,000 ही भरे थे। मतलब मैंने 50,000 मेरी बच्ची के लिए लास्ट ईयर भी 50,000 ही भरे थे और इस साल भी रिलेक्शन के नाम पे वो कुछ दे नहीं रहे, इस साल भी 50,000 पूरी मांग रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि लास्ट ईयर जो हमने फैसिलिटीज़ बच्ची ने हमारी स्कूल में जाके ली थी उसके लिए हम 50,000 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन इस साल ना तो स्कूल लगा, पूरा सेशन ऐसा ही चले गया, ना मेरी बच्ची एक बार भी स्कूल में नहीं आई है और ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे पूरी स्कूल जो है पूरी फीस ली जा रही है। पूर्व में पेरेंट्स लोगों ने हंगामा किया जिसके लिए स्कूल प्रशासन ने आखिरी की जो फीस थी माफ़ करने के बाद जिससे सबके पेरेंट्स एग्री हुए थे, उसके बाद अब अचानक नहीं पेरेंट्स एग्री हुए थे, बाकी सभी पेरेंट्स ने भरी नहीं है सर, सभी एग्री नहीं है, सभी के ऊपर प्रेशर है, सभी के मतलब बिजनेस पे इफेक्ट भी पड़ा है और जो जॉब पे हैं उनकी सैलरी भी आधी करी है, किसी को तो निकाल भी दिया गया है, तो उनके इनकम का कोई सोर्स नहीं है। इस कारण कुछ पेरेंट्स अभी भी परेशान हैं और जो परेशान हैं जेन्युइन, वो हम चीज़ लेके आए हैं। हम स्कूल प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि हम इसको, सभी पेरेंट्स की मांग यही है कि 50% फीस माफ़ कर दी जाए। पेरेंट्स जैसे जैसे भर के स्कूल फीस में अपने बच्चे को पढ़ाने के आगे चालू करेगा। प्रतीक तागड़ सबसे मिली है मगर आज तक की कोई डिसीजन क्यों नहीं आ पा रहा सर? डिसीजन का तो अब मैं, उनका डिसीजन है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, हमारे संघ ने सभी पालकगण भी गए थे, सांवेर में भी मुख्यमंत्री साहब को रोका था, ज्योतिरादित्य सिंह जी को भी रोका था, हमने सभी को ये बात पहुँचाई थी वहाँ पे। उसके बाद भी कुछ मिली भगत जैसी ऐसी हुई कि उसमें ट्यूशन फीस अभी भी कुछ वाइब्रेट नहीं है सर उसमें कि ट्यूशन फीस परसेंटेज कितना है ट्यूशन फीस का। इस कारण क्या स्कूल मनमानी करे जा रहा है और पूरी फीस वसूली जा रही है सभी। प्रतीक तागड़ मिली भगत सर, अब क्या बोले, अब सभी है उसमें, अब क्या बोल सकते हैं उसके लिए यार, ये काट देना तुम भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।